दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हाउस प्लान की 22x40 की। जी हाँ दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने उनके कहने पर हमने ये मॉडल डिज़ाइन किया है। जैसा कि आप मॉडल देख पा रहे हो स्क्रीन पर, इसका साइज़ है 22 फिट इसकी चौड़ाई है और लंबाई की बात करें तो 40 फिट इसकी लंबाई है। तो इसी को पूरा डिस्कस करेंगे। और ये 3 साइड क्लोज्ड है, मतलब तीनों साइड ज़्यादातर मकान बने होंगे और फ्रंट में आपका ये लुक ऐसा दिखने वाला है जैसा कि आप मॉडल देख पा रहे होगे। ये डिजाइनिंग का पार्ट है जो फ्रंट पे आप देख रहे हैं, ये सारा डिजाइनिंग है। और इसमें आप कार पार्किंग की भी व्यवस्था है, मतलब 22x40 विद कार पार्किंग भी आप देख सकते हैं। अगर आपके पास कार है तो आप उसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, खड़ी कर सकते हैं। तो इसी ऊपर हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर और कितने रूम्स हैं, क्या इसका साइज है, सभी कुछ हम बताने वाले हैं। तो बने इस वीडियो में लगातार। और मैं हूं पवन झागड़ा और आप देख रहे हो दोस्तों अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, इससे आपको लगातार नोटिफिकेशन हमारे चैनल से मिलते रहें। और आप भी मल्टीपल्स नक्शे यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारे घर के नक्शे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो आप बनवा सकते हैं, देखकर एक आइडिया आपको मिल सकता है। और इसके PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। लेकिन इसका मैंने कुछ चार्ज रखता हूँ मैं, 99 रुपीज़ दोस्तों इसका चार्ज है। सपोज अगर ये मॉडल आप डाउनलोड करना चाहता है, इसके 2D और 3D इमेजेज विथ आपको साइज़ के अकॉर्डिंग, मतलब कितने बाई कितने का रूम है, सारा साइज़ मिलेगा। अगर आप इसे डाउनलोड करते हैं, परचेज करते हैं तो मात्र 99 रुपये में इस मॉडल को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एक जिप फाइल मिलेगी और उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके सामने PDF इसका जो भी 2D इमेजेज होता है उसका सभी का फ़ोटो मिलेगा विथ साइज़ के। तो आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं। तो हम चलो पूरा मॉडल आज डिस्कस कर लेते हैं। इसका साइज़ है 22x40। तो जैसे हमेशा की तरीके से हम सबसे पहले इसको कर देते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे आप करते हैं तो दीवारें इसकी हाइड हो जाती हैं, मतलब जो भी दीवारें बनी हैं वो सारी हाइड हो जाएंगी, मतलब गायब हो जाएंगे। और आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंसी में ये मॉडल और बेहतरीन सा दिखने वाला होता है। आपको अंदर तक सब कुछ यहाँ पर दिखता है, कहाँ पर स्टेयर्स हैं और कहाँ पर लेटरिन बाथरूम, सब कुछ आपको दिख जाता है। ये ट्रांसपेरेंसी में था, आप इसकी ट्रांसपेरेंसी रिमूव करके फिर से आते हैं ओरिजिनल पोजिशन पर जैसा पहले से था। तो चलो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका ग्राउंड फ्लोर, जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो फ्रंट से ग्राउंड फ्लोर आपको ऐसा दिखेगा। और ये ग्लासेस जो आपको दिख रहा है लंबा सा, ये दोस्तों डिजाइनिंग का पार्ट है, आप इसे लीव कर सकते हैं। और ये फ्रंट फ्लोर फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है, जिसका मेन डोर आपको मिलेगा यहाँ से। और जैसा मेन डोर से एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर लगभग ये स्टेयर्स, मैं दिखा दूँ आपको, जैसे मेन डोर से एंटर करते हो तो ये आपका एरिया मिल जाता है। इसका साइज़ आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टेयर के माध्यम से आप ऊपर जाएंगे और इसी स्टेयर्स के नीचे आप अपना 4 व्हीलर पार्क कर सकते हैं, क्योंकि इसका साइज़ चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। अब जैसे आप यहाँ से आते हो सबसे पहले आपको मिल जाता है एक बेडरूम, यहाँ पर आप गेस्ट रूम बना सकते हैं, जो भी चाहें उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये डोर है, ये विंडो दिया, वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और बाहर से भी आपको एक विंडो मिल जाता है। और ये सिर्फ डिजाइनिंग का पार्ट है, ये आप पर डिपेंड करता है बनवाते हैं या नहीं बनवाते हैं। जैसे आप अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको मिल जाता है ये वाला, पीछे आपको देखिए 2 बेडरूम और मिल जाते हैं। इनका साइज़ भी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट डोर है, इसके लिए विंडो आपको नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके लेटरिन एडजस्ट किया मैंने। और ये बाथरूम है दोस्तों, ये बाथरूम का एरिया है जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, और ये आपका लेटरिन है। और बाथरूम के जस्ट बगल में आपका ये किचन एरिया दिख रहा है जो कि ओपन है, आप चाहें तो इसे क्लोज भी कर सकते हैं। और अगर आप और अच्छे से वेंटिलेशन चाहते हैं तो आप बाथरूम के जस्ट बगल में 2 से 2.5 फिट का जगह लीव कर सकते हैं। और ऊपर आप कोई भी, मतलब कि जो जाल टाइप का होता है लोहे का, उसे रखवा सकते हैं, जिसमें आपका रोशनी पूरे मकान में आता रहेगा। अगर आप आंगन में, अपने आंगन में रोशनी के लिए जाल नहीं रखवाते हैं तो ये आप अगर यहाँ रखवाते हैं तो आपका कोई वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर हो गया और स्टेयर्स हो गया। स्टेयर्स के माध्यम से आप ऊपर जाएंगे और यहाँ पर 3 बेडरूम मिल जाते हैं। और इस जगह पर आप कार पार्किंग की भी व्यवस्था कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर। जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो ये मॉडल आपको कुछ ऐसा दिखेगा फ्रंट से, फर्स्ट फ्लोर। और स्टेयर्स के माध्यम जैसे आप ऊपर आएंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम जैसा ग्राउंड फ्लोर था, सेम फर्स्ट फ्लोर भी डिज़ाइन किया है। बस आपको यहाँ डिफरेंस जो देखने को मिलेगा सिर्फ बालकनी का, ये लगभग 2 से 2.5 फिट का बालकनी इसमें मैंने निकाल दिया। और ये आपका जो रूम है इस पर मैंने विंडो इस स्टाइल में दे दिया 2, जिसमें आपका डिज़ाइन भी अच्छा सा बन जाए और लुक भी बेहतरीन सा लगे। अब इसका हम लास्ट फ्लोर डिस्कस करते हैं। लास्ट फ्लोर पर फिलहाल मैंने कुछ नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर एक ये जो आप स्टेयर्स आपके ऊपर आएगी उसको ढकने के लिए मैंने ये रूम सा डिज़ाइन किया है। और इसके लिए आप ये वाला विंडो गेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और चारों तरफ ये बाउंड्री आपको मिलेगा 3.5 फिट का, और ये पूरा लुक है। और इस पर ये आपका छत बन जाएगा, आप उसमें टंकी वंकी जो भी रखवाना है घर के लिए, जो भी पानी का सप्लाई होता है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा मॉडल था 22x40 का, और इसका पूरा डिज़ाइन इसका साइज़ जो भी वो हमारी वेबसाइट पर आप ज़रूर विजिट करें और यहाँ पर पूरा आप साइज़ देखें जैसे आप इसको डाउनलोड करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपका स्पेसिफिक मॉडल आप चाहते हैं कि हमारे कोई मॉडल डिज़ाइन किया जाए तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो हर संभव प्रयास करूँगा मैं आपका मॉडल डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे आते हैं तो पॉसिबिलिटी इतनी नहीं होती है, बट किसी के एक रैंडम मॉडल लेकर मैं ज़रूर डिज़ाइन करता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर ये वीडियो फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो वहाँ भी इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।